नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मणिपुर में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल 57% से अधिक मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा, विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनकी स्वदेश वापसी भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात सत्र बुलाने के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, आपात बैठक आज रात होगी। प्रधानमंत्री केंद्रीय बजट 2022 में गतिशक्ति और इसके समन्वय के बारे में आज वेबिनार को संबोधित करेंगे। सरकार ने हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन रामन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। और क्रिकेट में भारत ने धर्मशाला में तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23-97-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जनउत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 57वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी और जो 1932 में ब्रिटिश शासन विरोधी प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी और जो 1932 में ब्रिटिश शासन विरोधी प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता जे थॉकचम से। थॉकचम, मतदान कैसा चल रहा है और सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं? विमिलेंदु, अभी मैं लुआंग शुभम मतदान केंद्र के सामने हूँ जो इम्फाल इस जिले के हैंगांग विधानसभा क्षेत्र में आता है। सुबह से मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए भीड़ भाड़ से बचने के लिए वोट डालने के लिए टोकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। आशा वॉकर और आंगनवाड़ी वॉकर और वॉलंटियर 80
वर्ष से अधिक और विकलांग मतदाताओं को सहायता देते हुए दिखाई दे रही है। इस चरण के सभी मतदान केंद्रों में सहायता बूथ भी खोला गया है। देखने में आ रहा है कि मतदाता भी मतदान कर्मियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सफल मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया है। बेमलेन्दु, इस चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं? पहले चरण में से जिलों की 38 सीटों के लिए अभी मतदान हो रहा है, इसलिए पहला चरण सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सभी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस इस बार 35 सीटों पर लड़ रही है, एनपीपी इस बार 27 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ रही है। इस चरण में 15 महिला उम्मीदवार और 18 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान में है। कोई भी पार्टी जो इस चरण में सीटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में सक्षम है, वहां सदन में बहुमत हासिल करने में सक्षम होगी। इस चरण में कुछ प्रमुख उम्मीदवार जो है वो है मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह जो हैंगांग विधानसभा क्षेत्र से है, डिप्टी सीएम वाई जयकुमार जो उरीपोक विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, स्पीकर वाई खेमचान सिंहजमई विधान क्षेत्र से है, थोंगजू विधानसभा क्षेत्र से मंत्री पीएस बिशरजीत, नम्बोन विधानसभा क्षेत्र से मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के नेता एन लोकेन और साइकोट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएन हॉकिब है। इसके अलावा कई बड़े नेता भी हैं जो इस चरण में मैदान में हैं। बिमलेन्दु, धन्यवाद थॉकचौम। ये थे हमारी संवाददाता जे थॉकचौम जो पूर्वी इम्फाल से चुनाव की ताजा जानकारी दे रहे थे। राज्य में मतदान दो चरणों में होना है। आज पहले चरण में 6 जिलों की 38 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से एक सीट अनुसूचित जाति के लिए और 8 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हमारे यहाँ आज 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1721 बूथों पर पोलिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की गई है सभी पोलिंग स्टेशन पे और डे लॉन्ग पेट्रोलिंग थ्रू आउट सभी जगह इंश्योर किया जा रहा है ताकि लोग निर्भीक होकर बाहर आए और अपने मतदान का उपयोग करें, वोट दें। चाहते हैं कि मणिपुर में हमेशा मतदान बड़े अच्छे से हुआ है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं यहाँ मतदान करने। हम लोग उस ट्रेंड को आगे और ले जाएं और कोशिश करें कि जितने भी मतदाता हैं, आज 12 लाख से मतदाता अपने फ्रेंचाइज का उपयोग करेंगे। मैं चाहूंगा हर कोई डेमोक्रेसी में अपने मतदान को देकर अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने विशेषकर युवाओं और पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने को कहा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल लगभग 57% मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों के लिए वोट डाले गए। सर्वाधिक 66% से अधिक मतदान बाराबंकी में और सबसे कम 52% मतदान प्रतापगढ़ में हुआ। राज्य विधानसभा के लिए 7 चरणों में कराए जा रहे मतदान के लिए बाकी बचे 6ठे और 7वें चरण के लिए राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के शेष चरणों के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराजगंज और बलिया जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह राज्य के कुशीनगर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले में चुनाव रैलियों में हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जौनपुर और मिर्जापुर तथा चंदौली में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज गति शक्ति पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर रहा है। वेबिनार का शीर्षक है त्वरित आर्थिक विकास के लिए समन्वय। इस वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें देश की संसाधन संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री के संबोधन से हम सभी को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा।
देश के लिए और देश की इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जब हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा, जब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम देश को आगे ले जाने में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और इस तरह में ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे PLI स्कीम शुरू करी थी जिसके अधीन सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और आत्मनिर्भर होंगे हमें, और इसके साथ ही बहुत बड़ा काम जो ईज ऑफ बिजनेस पे हो रहा है और जिससे कंप्लायंस उठाई जा रही है। इंडिया इज बिकमिंग ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, कॉर्ड एफडी इंडिया में हो रही है और देश का एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 400 यूएस बिलियन डॉलर का हमने टारगेट रखा था और हम इतनी बात तक इसको हम 400 हम सरपास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। मणिपुर में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 57% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर उच्चस्तरीय बैठक की, कहा विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनकी स्वदेश वापसी भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात सत्र बुलाने के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, आपात बैठक आज रात में होगी। प्रधानमंत्री केंद्रीय बजट 2022 में गतिशक्ति और इसके समन्वय के बारे में आज वेबिनार को संबोधित करेंगे। सरकार ने हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा बढ़ाकर 2 लाख रूपये किया। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन रामन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। और क्रिकेट में भारत ने धर्मशाला में तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात यूक्रेन संकट की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार 2 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें स्वदेश लाना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी उपस्थित थे। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा के लिए आज रात संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक होगी। महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में यूक्रेन के संबंध में सुरक्षा परिषद के संकल्प पर चर्चा होगी। शुक्रवार को रूस ने इस संकल्प पर वीटो का प्रयोग किया था। सुरक्षा परिषद में कल रात इस बात पर सहमति बनी कि आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष आपात बैठक बुलाई जाए। भारत के अलावा चीन और संयुक्त अरब अमारात ने परिषद में प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि सुरक्षा परिषद के 11 सदस्य देश इसके पक्ष में रहे। इस मतदान में वीटो के प्रयोग की अनुमति नहीं थी और ये संकल्प पारित हो गया। मतदान से अनुपस्थित रहने पर भारत ने कहा कि ये खेद की बात है कि यूक्रेन मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की पिछली बैठक के बाद से यूक्रेन में स्थिति बदतर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि हिंसा तुरंत रोके जाने और शत्रुतापूर्ण व्यवहार तुरंत बंद किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक मार्ग और बातचीत से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के शीर्ष नेतृत्व के साथ हाल की बातचीत में इस पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समग्र परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने सुरक्षा परिषद में मतदान से अनुपस्थित रहने का निर्णय किया। यूरोपीय संघ और कनाडा ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वे अपना हवाई क्षेत्र रूसी विमानों के लिए बंद कर देंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष वोजुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि संघ प्राइवेट जेट सहित रूस के स्वामित्व वाले और नियंत्रण वाले विमानों के अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाएगा। सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 25,000 रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये कर दिया है। मुआवजे में 8 गुना की वृद्धि की गई है। गंभीर रूप से घायलों के मामले में मुआवजा 12,500 रूपये से 50,000 रूपये कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस योजना को हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना 2022 का नाम दिया गया है। ये इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी।
आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिन हर साल 28 फरवरी को रामन प्रभाव की खोज के स्मरण में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रामन ने रामन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में सभी अभिभावकों को बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए छोटे छोटे प्रयास शुरू करने का आह्वान किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है। ये दिन रमन इफेक्ट की खोज के लिए भी जाना जाता है। मैं सीवी रमन जी के साथ उन सभी वैज्ञानिकों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमारी साइंटिफिक जर्नी को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे जीवन में सुगमता और सरलता में टेक्नोलॉजी ने काफी जगह बना ली है। कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, किस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल क्या है, इन सभी विषयों से हम भली भांति परिचित होते ही हैं। भारत ने श्रीलंका से 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। कल रात धर्मशाला में तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान दासुन शनाका के 74 रन की बदौलत 146 रन बनाए। जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर 17वें ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर लिया। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। अट्ठाईस फरवरी 1948 को ब्रिटिश सैनिकों की आखिरी टुकड़ी ने भारत छोड़ा था। भारत से ब्रिटिश सेना की वापसी 17 अगस्त 1947 को शुरू हुई जब सेना की पहली यूनिट और रॉयल एयरफोर्स की बड़ी टुकड़ी मुंबई से रवाना हुई। सैनिकों की वापसी के अंतिम चरण के तहत समरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया तक रस्मी परेड की। विदाई समारोह के दौरान नवगठित भारतीय सेना की इकाइयों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भारतीय और ब्रिटिश सेना के बैंड ने एक दूसरे को सलामी दी और एक दूसरे के राष्ट्रगान की धुन बजाई। अंग्रेजों को स्मृति चिन्ह के तौर पर ऑयल पेंटिंग, भारतीय तिरंगा और गेटवे ऑफ इंडिया का चांदी का मॉडल प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत बंबई के प्रथम गवर्नर राजा महाराज सिंह ने विदाई संदेश पढ़ा और लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शुभकामनाएं दी। स्कॉटलैंड के फॉर ओल्ड सेक से अनुदित लोकप्रिय विदाई धुन ऑल लैंग साइन के साथ ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी ने गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए मार्च किया और अपने घर जाने के लिए एम्प्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया जहाज में सवार हो गई। आज हम स्वाधीनता सेनानी और सार्वभौम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
उनका निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। राजेंद्र बाबू को अंग्रेजों ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 1950 में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन दिया। 1957 में उन्हें पुनः राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 12 वर्ष राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते रहे। उनके कार्यकाल के दौरान तय किए गए दिशा निर्देशों का आज भी पालन किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद के निधन पर संपूर्ण राष्ट्र शोक की लहर में डूब गया। लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित राजेंद्र प्रसाद के निस्वार्थ जीवन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने कहा था, महान स्वाधीनता सेनानी और उत्साही देशभक्त, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने धैर्य और दूरदर्शिता के साथ मार्गदर्शन किया। वे अत्यधिक मुश्किल और रचनात्मक दौर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। प्रबुद्धता और मानवता के गुणों से समृद्ध राजेंद्र प्रसाद ने गरीबों के लिए कार्य और उनसे प्रेम किया तथा उनकी परेशानियों को समझा। पद की गरिमा बनाए रखते हुए भी सादगीपूर्ण और समर्पित जीवन व्यतीत किया। उन्होंने राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख की आधारशिला रखी और गरिमामयी परंपराएं कायम की। राज्यसभा में तत्कालीन सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने राजेंद्र बाबू के बारे में कहा, कहा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद किसी अन्य की तुलना में कहीं अधिक संपूर्ण सज्जन, भारतीय जीवन में श्रेष्ठता से रचे बसे और अच्छे भारतीय के सच्चे प्रतीक थे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाएं पहले ही इतिहास में दर्ज हो चुकी है। भारत की इस महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को हमारा शत शत नमन। हम आज शहीद और वीरांगना सुरसी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 28 फरवरी 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। अपने पुत्र भीम नायक के साथ उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भीम नायक वर्तमान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रमुख भील नेता थे। सुरसी के नेतृत्व में भील सेना के साथ अंग्रेजों की भीषण मुठभेड़ के दौरान 8 फरवरी 1859 को सलोदा के निकट अंग्रेजों ने सुरसी को बंदी बना लिया। मंडलेश्वर किले में गिरफ्तारी के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। 28 फरवरी 1859 को हिरासत के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में वर्षा और आंधी चल सकती है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। उत्तर भारत के अन्य शहरों में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे तथा अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, यूक्रेन में रूसी कार्रवाई अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, परमाणु युद्ध का खतरा, पुतिन ने प्रतिरक्षा बल को किया अलर्ट। जनसत्ता लिखता है, अमरीका और कई देशों ने वित्तीय प्रणाली स्विफ्ट से रूसी बैंकों को अलग करने का लगाया प्रतिबंध। नवभारत टाइम्स का कहना है, इनकार के बाद बेलारूस में रूस से शांति वार्ता को राजी हुआ यूक्रेन। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, गोलीबारी के बीच अब भी फंसे हैं हजारों भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, कहा भारतीयों की वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, ऑपरेशन गंगा की कमान मोदी ने ली अपने हाथ। विश्व नेताओं के साथ केमिस्ट्री दिखा रही है अपना असर। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए तिरंगा बना बड़ी ढाल, रूसी सैनिक कर रहे हैं सैल्यूट। पोलैंड ने बिना वीजा एंट्री की दी इजाजत। लोक सत्य ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम पर सुर्खी दी है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व बदलाव। स्किल इंडिया हो या स्वयं सहायता समूह, महिलाओं ने हर क्षेत्र में मोर्चा संभाला।
दैनिक जागरण की सुर्खी है, अधर में पड़ी 3.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना। भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड ने योजना से जुड़े 19,000 करोड़ रूपये टेंडर रद्द किए। अब हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए सरकार को नए सिरे से पूरी कवायद शुरू करनी होगी। हिन्दुस्तान की खबर है, पीएफ में ज्यादा अंशदान करने पर 2 खाते खुलेंगे। सालाना 2.5 लाख रूपये अंशदान पर ब्याज करमुक्त होगा, लेकिन इसके बाद के अंशदान के ब्याज पर कर चुकाना होगा। दैनिक भास्कर की खास खबर है, मोटापे से निपटने के लिए अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों पर लगेगा टैक्स। नीति आयोग कर रहा मंथन, फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग से उपभोक्ता पहचान पाएंगे ऐसे उत्पाद। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी और 1932 में ब्रिटिश शासन विरोधी प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 57% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर उच्च स्तरीय बैठक की, कहा विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनकी स्वदेश वापसी भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात सत्र बुलाने के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, आपात बैठक आज रात होगी। प्रधानमंत्री केंद्रीय बजट 2022 में गतिशक्ति और इसके समन्वय के बारे में आज वेबिनार को संबोधित करेंगे। सरकार ने हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया और आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन रामन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।